हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स। तो हक्का नूडल्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबली हुई चाउमीन, कटी हुई पत्ता गोभी, प्याज और शिमला मिर्च और अदरक कटा हुआ। तो चलिए दोस्तों, हम बनाते हैं हक्का नूडल्स सिंपल आसान तरीके से। अदरक को हमने डाल दिया है कढ़ाई में, जो तेल रखा हुआ था उसको हमने डाल दिया है अदरक को। अब इसको हमें भूनते रहना है अच्छे से। जो पत्ता गोभी और प्याज हमने काट के रखी हुई थी वो हमने कढ़ाई में डाल दी है। इसको हल्के हल्के आँच पे हमें भूनना है। दोस्तों, पत्ता गोभी जो हमने भूनने के लिए डाली थी, प्याज और शिमला मिर्च की हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जो उबली हुई चाउमीन, और चाउमीन डाल के हमें इसको पत्ता गोभी वगैरह को मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच विनेगर। नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार। थोड़ा सा दोस्तों हमें इसमें डालना है वाइट पेपर। दोस्तों, जो लोग ज़्यादा चटपटा तीखा नहीं खाते हैं उनके लिए ये नूडल्स बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि ये स्पाइसी तो बनती नहीं है ज़्यादा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आप लोग घर पे भी इसको बनाने का ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। दोस्तों, नूडल्स सबका हमारी हो चुकी है रेडी, और चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसी बनी है। तो दोस्तों, हमने एक प्लेट ले ली है, उस प्लेट में हमें निकाल लेनी है। कलर दोस्तों वैसे तो इसका लाइट ही रहता है, लेकिन अगर आप लोग कलर फुल देखना चाहते हैं तो इसमें आप टमाटो केचप डाल सकते हैं या सोया सॉस डाल सकते हैं। वैसे इसमें डलता नहीं है, लेकिन आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। दोस्तों देखिए, हक्का नूडल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है, और बस अब हमें भी थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है कि ये बनी कैसी है। चलिए दोस्तों, बहुत यम्मी है, बहुत टेस्टी है और हेल्दी है। दोस्तों, आप भी इसे अपने घर पे बना के ट्राई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ कमेंट में हमें बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, बाय, शुभ रात्रि।